अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सरोज काशिफ एंड यू वाचिंग राल्फ हाईटेक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और इसी के बराबर में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे पहले हम अपनी वीडियो की तरफ चलें जो कि पीसी रिमोट का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो पहले जाके वो देखें, उसके बाद आप वापस इधर आए। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और साथ में आपको मोबाइल की स्क्रीन भी शो हो रही है। इसको पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्ट करने के लिए मैं अपना रिसीवर ओपन कर रहा हूं और मोबाइल से मैं कनेक्शन कनेक्ट पे ओके कर रहा हूं। तीनों ऑप्शंस मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैं ब्लूटूथ डेटा केबल या थ्रू वाईफाई अपने पीसी से इसको कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से हुई हुई है इसमें, तो यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइस आ रही है। मैंने इस डिवाइस को क्लिक किया और ये डिवाइस मेरी कनेक्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। और इस पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रोजेक्टर पे आ जाते हैं हम। प्रोजेक्टर में यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर है, मतलब स्क्रीन रिप्लेसमेंट का फीचर है। ये आपकी ये मोबाइल की स्क्रीन को आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे शो करेगा, तो अगर आप देखना चाहें तो वो करके देख सकते हैं। ये मोबाइल की स्क्रीन को आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे शो करेगा, तो अगर आप देख तो फोटो पे आ जाते हैं हम। फोटो पे मिसाल के तौर पर मेरे पास काफी सारी फोटोज हैं, जैसे ये मेरी एक फोटो है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करूं, तो इस पे मैं प्रोजेक्टर पे क्लिक करूंगा और ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगी। इसी तरह से मैं कोई सी भी फोटो या वीडियो को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्ले कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर ले ली मैंने और इस पे क्लिक किया, तो ये पिक्चर भी मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। इसी तरह से मैं कोई वीडियो भी प्ले कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक टाइम लैप्स वीडियो है, तो ये वीडियो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी वीडियोज हैं, तो कोई सी भी जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। अगर उसमें साउंड वगैरह भी है तो उसके भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप साउंड रिकॉर्डिंग साउंड को भी आप अपने कंप्यूटर पर सुन सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन है, वॉल्यूम आप इंक्रीज या डिक्रीज करके या म्यूट करके उसको देख सकते हैं। स्क्रीन एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं फुल स्क्रीन टू उसको नॉर्मल, जैसे जो नॉर्मल मिनिमाइज उसका वो होता है कैस्केड जिसको हम बोलते हैं, उस स्टाइल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये एक एरर आ गया है मेरे पास, तो मैं माउस से इसको आके कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। सही, कनेक्शन चेक कर लेते हैं हम, कनेक्शन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है दिस पीसी का। दिस पीसी पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे पीसी की सारी ड्राइव्स मुझे यहाँ पे शो करेगा। मैं यहाँ से कोई भी ड्राइव अपनी चेक कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर एंड आईटी पे आ जाते हैं हम, तो इसमें जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सारे शो हो रहे हैं। अब आपकी चॉइस है आपको किस फोल्डर में क्या काम है, वो फोल्डर आप ओपन करके उसके किसी भी ड्राइव को किसी भी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। इसको बैक करेंगे सिंपली तो ये बैक पे आ जाएगा। इसके बाद आपके पास पावर पॉइंट कंट्रोल है जो कि नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन ओपन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे दे रहा है कि कोई पावर पॉइंट की फाइल इसको नहीं मिली। अदरवाइज यहाँ पे आपके पास पूरा एक डेस्कटॉप लेआउट आएगा। एक काम करते हैं हम, जल्दी से एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं अपने पीसी पे। यहाँ पे मेरे पास कुछ आईटी रिलेटेड प्रेजेंटेशन हैंगी, तो हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया मैंने और ये देखें, ये मुझे यहाँ पे पूरा इसने लेआउट दिखा दिया। मैं जैसे ही F5 करता हूं तो ये इसको लोड कर रहा है। इसको मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं, कुछ लिखना है तो वो मैं इसके ऊपर लिख भी सकता हूं जो कि मेरे स्लाइड के प्रीव्यू में शो होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस पे मोबाइल की स्क्रीन पे आपको इस तरह से शो कर रहा है कि अगर कोई आपके पास कोई नोट है और आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे उसको रीड कर सकते हैं और
वो आपको शो करेगा कि ये चीज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, आगे आपकी चॉइस, आपको जैसे काम करना है वैसे करें। इसको मैंने स्टॉप कर दिया, बैक कर दिया। स्क्रीन पे हमें प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, इस डिवाइस को भी ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, फिर टास्क मैनेजर का ऑप्शन है इसमें हमारे पास। आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने पीसी का। ये लोड कर रहा है, थोड़ा सा स्लो सिस्टम है, अभी अपग्रेड करेंगे इसको। ये इसने मुझे सारे प्रोसेस दिखा दिए कि क्या क्या प्रोसेसेस बैक हैंड पे चल रहे हैं मेरे पास। जैसे टास्क मैनेजर आप ओपन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस से, और इसमें जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो आप यहाँ से प्रोसेस टैब में आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये सारे क्रोम ईएक्सई और ओबीएस 32 ईएक्सई, तो ये सारे इसने मुझे यहाँ पे प्रोसेसेस शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी मजीद ऑप्शन हैं हमारे पास। जैसे हम माइक्रोफोन अपना एडजस्ट कर सकते हैं, माइक को एज ए माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं, कि कैमरे की तरह इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये ऑप्शन यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पीसी का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, तो वो आई डोंट थिंक वो उसको मैच करेगा। तो ये थे आपके कुछ फीचर्स। अच्छा, ये ऐप जो है ये पेड वर्जन में भी मौजूद है, प्ले स्टोर पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोनैक की ऑफिशियल वेबसाइट monac.com से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां से भी इसका सर्वर और ऐप डाउनलोड करके उसको परचेज कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू। ये फुली फंक्शनल, फुली ऑफिशियल एक ऐप है जो आप किसी भी इंटरफेस पे यूज कर सकते हैं। आइदर वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैक हो या एंड्रॉयड हो, सब में ये चीज आपको चलती है। लिनक्स वगैरह पे भी आपके पास ये रिमोट सर्वर अवेलेबल है, तो आप लिनक्स पे भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है वो मिल जाए। आगे चल के मेरे कुछ प्लान हैं मजीद कुछ रिव्यूज करने के, तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग और मजीद करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स के बारे में बताएं कि आप लोगों को किस टाइप के सॉफ्टवेयर सीखने हैं, तो फिर उसी हिसाब से मैं एक पूरा पैकेज उसका वो करूंगा अरेंज, ताकि आप लोगों को भी वीडियोज देखने में थोड़ा मजा आए और थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के इजाफा होगा।